हिंदू अखाड़ा समिति के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष योगेश शर्मा की अगुवाई में हिंदू समाज के आराध्य देव श्री कल्याण राय जी के मंदिर पर हुई घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि बारा शहर में स्थित हिंदू समाज के आराध्य देव श्री कल्याण राय जी भगवान के मंदिर पर एक मुस्लिम समाज की महिला ने मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश कर देवी देवताओं की मूर्तियों पर थूकने का प्रयास किया, तुलसी के पौधों को पैरों के नीचे कुचला, साथ ही शंकर भगवान की मूर्ति पर चढ़े बिलपत्रों को भी पैरों के नीचे कुचलने का और देवी देवताओं के अपमान की बात कही जा रही है। साथ ही उपस्थित महिलाओं के टोकने पर उन महिलाओं के ऊपर भी थूक कर उनका उपवास भंग किया गया। ज्ञात रहे कि यही महिला विगत 3 दिन पूर्व भी इसी प्रकार की घटना कर चुकी है। उस समय महिलाओं द्वारा इसे मंदिर से निकाल दिया गया था और आज सुबह पुनः यही घटना दोबारा घटित हुई है। इस घटना से समस्त हिंदू समाज में आक्रोश है और इस घटना को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया जाना बताया जा रहा है, ताकि आने वाले हिंदू समाज के त्योहारों के समय बारा में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा सके। ज्ञापन देने वालों में भुवनेश सोनी, बंकट व्यायामशाला, ओम सुमन हिंदू व्यायामशाला, चंदन सिंह महाराज, वीरेंद्र सिंह, मोहन प्रजापति, नेमी चंद यादव, राजेंद्र गहलोत और निक्कू मुकेश सुमन, साथ ही में लोकेश नागर आदि शामिल रहे। आज हम हिंदू अखाड़ा समिति और हिंदू समाज की ओर से एसपी ऑफिस में हम ज्ञापन देने आए। जिस प्रकार से आश्री जी के मंदिर में एक मुस्लिम महिला के द्वारा एक ऐसी दुर्घटना को अंजाम दिया गया जो पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत ही दुख भरी घटना है और इसमें पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है। हमारे आराध्य देव, हमारे पूज्य भगवान का अपमान किया गया, वहाँ महिलाओं पर थूका गया और ये सब जो कार्य है एक साजिश के तहत हुआ है। और हम एसपी ऑफिस में एसपी साहब से हमने ये कहा है कि इसकी बिल्कुल गहनता से जांच की जाए और जांच कर करके ये वास्तविक जो दोषी है और जो महिला है, इस महिला के बारे में पूरी जानकारी लेकर के इसके पीछे जो षड्यंत्र रचा जा रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी का पता लगाया जाए और जो आरोपी है, जो दोषी लोग हैं, उनको सजा दी जाए। अमित जैन की रिपोर्ट।